हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करने वाले हैं DMDF और जर्नी वाली रीडिंग। देखते हैं क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी चेकअप करेंगे, करंट फीलिंग्स देखेंगे। तो चलिए गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज DMDF और जर्नी वाली रीडिंग करते हैं। प्लस गाइस, मैं ये कहना चाहती थी, अगर आप मुझसे कोई हीलिंग्स लेना चाहते हैं या एंजल हीलिंग्स लेना चाहते हैं, या जैसे हमने कल कटिंग द कॉर्ड्स किया या पास्ट लाइफ किया, अगर आप वो वाला हीलिंग्स पर्सनली लेना चाहते हैं, तभी भी जो है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रेकी थेरेपी चाहिए, क्रिस्टल थेरेपी चाहिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स है, वेलकम टू द चैनल गाइस, एंड वेलकम टू इनर वर्क। आपको ये चैनल पर बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने को मिलेगा। तो चलिए गाइज, हम लोग पहले डिवाइन मैस्कुलिन के लिए निकाले थे। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना गाइज मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और बताइए गाइज, आप क्या देखना चाहेंगे अपकमिंग वीक में? अब इसी वीडियो के नीचे मुझे बताइए कि आप क्या वीडियोस देखना चाहेंगे कमिंग वीक में। ओके गाइज, और फिर हम डिसाइड करेंगे और कुछ वीडियोस आपके टॉपिक के बनाएंगे। तो चलिए गाइज, देखते हैं कि क्या निकल के आता है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में। और ये भी बताइएगा गाइज कि अगर आप देखना चाहते हैं पर्सनलाइज्ड मैसेज हॉरोस्कोप वाइज, तो वो भी बताइएगा मुझे। तो चलिए देखते हैं गाइज क्या निकल के आता है डिवाइन मैस्कुलिन के करंट एनर्जीज में। क्या चल रहा है आज, क्या हो रहा है डिवाइन मैस्कुलिन के साथ? ओके, काफ़ी कार्ड निकल के आ रहे हैं और एक कार्ड और। यस, तो ये है डिवाइन मैस्कुलिन के करंट एनर्जीज। अब हम डिवाइन फेमिनिन के करंट एनर्जीज लेंगे गाइस, और देखेंगे कि डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या निकल के आता है इन द करंट एनर्जीज। ओके गाइस, तो डिवाइन फेमिनिन का निकल के आया है ये करंट एनर्जीज। और देखेंगे गाइस अभी जर्नी में क्या निकल के आता है गाइज हमारे डिवाइन, और फिर एंजल के पावर मैसेजेस लेने की कोशिश करेंगे गाइज। जर्नी के लिए मैं रून्स और रोमांस एंजल्स दोनों की हेल्प लूँगी, देखूँगी कि क्या करंट सिचुएशन है हमारा। अगर कोई सन साइंस या कुछ ऐसे साइंस दिखाई देते हैं ज़ोडियाक साइंस, तो मैं आपको आज ज़रूर बताऊँगी इस रीडिंग में। लेकिन अगर आपसे रेजोनेट नहीं करता, वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये रीडिंग टाइमलेस है गाइज। जब आप देखोगे तब आप लोग के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो चलिए देखते हैं गाइस जर्नी के लिए क्या निकल के आता है आज। ओके राइट, एंड फिर गाइस मैं आप लोग के लिए सॉन्ग या मैसेजेस या एंजल गाइडेंस जो भी एंड में निकल के आएगा, जो मैं गाइडेड होंगी या सब मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी। तो साइड कर देते हैं पहले। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिखाई दे रहा है गाइस, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहा है मुझे कहीं ना कहीं। बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रही है डिवाइन मैस्कुलिन की, हीलिंग हो रही है, लेकिन वो अभी भी स्केर्ड है कि वो अपने दिल की सुने या दिमाग की, क्योंकि वो किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं आपके पास एक ऑफर लेके आने के लिए। अब ये एक ऑफर है और फोर ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है गाइज, आपके पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं और ऑफर करने से डर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये अपने दिल की सुने या दिमाग की ये बैलेंस करना चाह रहे हैं, अपने आप को वेट करके देखना चाह रहे हैं फॉर द राइट टाइम कि वो आपको कुछ ऑफर कर सके, इस कनेक्शन में कुछ स्टेबल ऑफर कर सके। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है शायद लास्ट टाइम आपके पास आए थे और इन्होंने कुछ ऑफर करने की कोशिश की थी जो आपने टोटली रिजेक्ट कर दी, जो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ, उनके इमोशंस उनके उनको ट्रिगर हुआ, जिसके वजह से अब वो अपने आप को हील करके मैजिशियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लोगों को पता है कि आपके पास आने के लिए उनको कुछ जो है गिव अप करना पड़ेगा, शायद एक मैरिज, शायद अपना जॉब, कुछ तो है, अपनी फैमिली को गिव अप करना पड़ेगा, कुछ तो है जो वो चाहते हैं। तो इसलिए वो वेट कर रहे, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, दो शिप्स उनके लिए अंदर आने वाले हैं, कुछ
दो अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं उनके लिए, तो वो सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं. और कहीं ना कहीं आफ्टर 3 मंथ्स गाइज उनको जो है उनके स्थिति उनके अनुकूल हो जाए अगर, तो उनकी सिचुएशन ऐसी हो जाए कि वो आपको कुछ ऑफर कर पाए, तो वो ज़रूर आएंगे. क्योंकि इनको पता है कि ये दोनों शिप्स में एक साथ सेल नहीं कर सकते दोनों शिप्स, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करें, ये आपको देख रहे हैं कि आप बहुत एक अच्छी स्टेबल लाइफ जी रहे हो, और ये जो है इनके लाइफ में कोई प्यार नहीं, कुछ पैसा नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे इनसे. तो इनको ऐसा लग रहा है कि जो है इनके साथ जो भी हो रहा है सही हो रहा है, दे डिज़र्व इट, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनको ऐसा फील हो रहा है, और इनको बहुत लॉस्ट फील हो रहा है कहीं ना कहीं. इनको ऐसा लग रहा है कि अब खुद का पावर जो है लेकर के हमको भी मैजिशियन बनना पड़ेगा, वरना हम जो है अपॉर्चुनिटी खो देंगे यहाँ पे. जो है अगर हमें अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करनी पड़ेगी, आज तक जो वो डिले करते आए थे अपना मैजिशियन बनना, वो अब उनको बनना ही पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं अब इनको नॉलेज के साथ ये मैजिशियन बनेंगे, तो ऐसा नहीं है कि जो इनको आता है वही सही है. तो इनको बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट्स हो चुके हैं ऑलरेडी, उनको डिवाइनली गाइडेड किया जा रहा है आपके जर्नी में आने के लिए, आपको कुछ ऑफर करने के लिए, लेकिन ये वेट करेंगे, तब तक सही टाइम नहीं आएगा तब तक ये कुछ नहीं बोलने वाले. तो अगर आप ये रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हो, तो आपकी पर्सन जो है आपसे अगले 3 महीने तक कुछ बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहे गाइस, सॉरी, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये डिवाइन मैस्कुलिन होते ही ऐसे है. एनी वेज गाइज, लेकिन हमें ये बात समझनी ज़रूरी है यहाँ पे, ये फेमिनिन के कार्ड्स से पहले बताऊँगी कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जो है यहाँ पे हम लोग एक युद्ध में नहीं है. डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन हम लोग एक लव जर्नी में है, और हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को लेसन सिखा रहे हैं और लेसन सीख रहे हैं उनसे, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी और क्या होनी चाहिए लाइफ से, ये रियल लाइफ लेसन हम लोगों को सिखाए जा रहे हैं. तो इसलिए ये नहीं है कि हमें वो हमारे दुश्मन है या हम उनके दुश्मन हैं, और हम यहाँ पे लड़ाई करने के लिए नहीं है गाइस, ये हाईएस्ट ऑर्डर का लव कनेक्शन है. थोड़ा सा इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए, ये लव प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव से ही सॉर्ट हो सकते हैं, और अनकंडीशनल लव ऐसे जब आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को चाहे जैसे हो वो उनको वैसे एक्सेप्ट करें और जज ना करें कि ये क्या मिस्टेक कर रहा है, ये तो फंस जाएगा, ये तो ऐसे कर देगा, ये तो वैसे कर देगा. जो भी हो रहा है गाइस, ये बिलीव रखना आपको आज से ज़रूरी है कि जो भी हो रहा है आप ही के अच्छे के लिए हो रहा है. आई डोंट थिंक आप लोग जो है ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहेंगे जो काफ़ी इमेच्योर हो, या अपना स्टैंड ना ले सके, या हर छोटी छोटी बात पे आपसे नाराज़ हो जाए और आपको उनको मनाना पड़े. ये इमेच्योरिटी वाली चीज़ आपको नहीं चाहिए होगी, आप भी चाहिए होगा आपको कि एक स्टेबल बैलेंस्ड रिलेशनशिप रहे. तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि जो भी हो रहा है उसे होने दे, स्लोली सेफली सब ठीक हो जाएगा. तो चलिए गाइस डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज देखते मुझे यहाँ पे कैंसर पाइसिस और स्कॉर्पियो की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है. बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है. रात को डिवाइन फेमिनिन जो है सपने देख रही है, डरावने सपने, जिससे जो है डिवाइन फेमिनिन को लग रहा है अरे बापरे ये तो गया, अरे बापरे, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें देख रही है डिवाइन फेमिनिन की. मतलब डिवाइन मैस्कुलिन शायद मेरे पास कभी आएगा ही नहीं वापस, और ये सब चीज़ें जो आपको डरा रही है गाइज ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके फियर्स है, इनको डील करना सीखो ठीक है गाइस. और ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनको ऑफर ना करो कुछ भी. अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे अभी बात नहीं कर रहे, अभी हर्मिट मोड में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उनको कुछ भी ऑफर नहीं करना चाहिए. या अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है तो वो रिस्पेक्ट कीजिए कि वो अभी थर्ड पार्टी के साथ है, और उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे. आपके लिए गाइडेड है कि गाइस आप लोग को अपना मेडिटेशन करें, कुछ अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अपने हाथ में रखे, ऐसा नहीं है 2 ऑफ पेंटिकल्स है, उनको हाथ में रखे, लेकिन कोई मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है. आई नो गाइस आपको सब स्टक लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ स्टक हो चुकी है और यहाँ पे कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, और डिवाइन मैस्कुलिन भी नहीं आ रहे हैं, ना पैसे मिल रहे हैं, ना पर्सन मिल रहा है, ये क्या हो रहा है आपके साथ. तो आपको ये बता दूं मैं कि यहाँ पे आपके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आपको गाइड किया जा रहा है, या तो आप कर रहे हो या तो आपको गाइड किया जा रहा है गाइज. आप एक एम्प्रेस हो, और एम्प्रेस का पावर होता है अनकंडीशनल लव.
मदरली एनर्जी होती है द एम्प्रेस की, द डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी नर्चरिंग वाली होती है। तो यहाँ पे आपको ज़रूरी है कि आप इस हेट्रेड या जो भी है उसको ख़त्म करें। अगर आपके पास पेट्स हो, जो मुझे यहाँ पे डॉग बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो अगर आपके पास पेट्स हो तो आप उस पेट्स पे फोकस करें, ना हो तो पेट्स ला के फोकस करें। ठीक है गाइज, अपने फैमिली पे फोकस करें, अपना टाइम और अटेंशन और अनकंडीशनल लव आपको डॉग से सीखने को मिलेगा या पेट्स से सीखने को मिलेगा। तो कैट्स मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, डॉग्स मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो अगर आप अनकंडीशनल लव सीखना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एक एनिमल से प्रैक्टिस कीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा लव आप उनको दोगे, उससे कई ज़्यादा लव वो आपको देंगे और आपको बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड और खुश फील कराएंगे, और आपको हैप्पी फैमिली वाली सेटिस्फैक्शन अपने घर से ही मिलेगी। मुझे कई कई लोगों के लिए तो ये लग रहा है कि आप अपने मॉम डैड से अपना रिलेशनशिप सुधारें, टू यू नो इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद योर ट्विन। ट्विन के साथ रिलेशनशिप सही करने के लिए मॉम डैड के साथ रिलेशनशिप सही करना ज़रूरी है। अगर आप वो करना चाहते तो इनर चाइल्ड हीलिंग एक तरीका है वो, जिसके लिए आप मेरे से पर्सनल हीलिंग्स भी ले सकते हो। मैं रेकी के थ्रू और एंजल मेडिटेशन के थ्रू इनर लव इनर चाइल्ड वुंड्स हील कराती हूँ, तो वो टॉक्सिसिटी भी आप हील कर सकते हो। अपने अगर आपके सिबलिंग्स हो, छोटे कजिन्स हो, जो बहुत ज़्यादा छोटे हो, तो उनको नर्चर करने में अपना टाइम स्पेंड करें, जिससे जो है, या कर रहे हो आप, जिससे जो है डिवाइन मैस्कुलिन जो है साइड में रहेंगे और जो है आपका पावर देखेंगे वो एज अ एम्प्रेस। आपको अपना यहाँ पे पावर शो करना ज़रूरी है, नॉट बाय एंगर, हमें यहाँ पे गुस्से से नहीं, मेडिटेशन से, शांति से, और जो चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर हमारे डिवाइन मैस्कुलिन इमेच्योर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी इमेच्योर की तरह बिहेव करें, तो थोड़ा सा मेच्योरिटी हमको अपने डिवाइन मैस्कुलिन को सिखानी होगी, और उससे हमें खुद से सीखकर उन्हें सिखानी होगी। तो ये जो है आज की रीडिंग में आ रहा है कि फैमिली के साथ टाइम बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हायर इनर मेडिटेशन फीलिंग्स करना ज़रूरी है, और सोचे गाइस कि न्यू प्रायोरिटीज़ क्या हो सकती है आपकी लाइफ में। आपको अपनी लाइफ को एक पर्सन के लिए स्टक करके रखना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपकी जर्नी में क्या हो रहा है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ क्या फ्रेश एनर्जीज आ रही है। आज मंडे है, ट्रस्ट, कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन आप पे ट्रस्ट करना सीख रहे हैं, इस केमिस्ट्री को देखना सीख रहे हैं। लेकिन गाइस अभी भी आपको रेड फ्लैग्स पे अटेंशन देना ज़रूरी है, और रेड फ्लैग्स क्या है कि आप अभी भी अपना माइंड ओपन नहीं रखे हुए हो, अभी भी अपने उनके आपके डिवाइन मैस्कुलिन का माइंड इतना ओपन नहीं हुआ है। तो कोई ना कोई एक है जिसका माइंड ब्लॉकेजेस है, या आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके एक्सपेक्टेशंस और आपके डिवाइन मैस्कुलिन के एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अलग है, तो आपको इस पर बात करना ज़रूरी है। आपको टाइम मिलेगा गाइज इन द कमिंग पीरियड, आपको टाइम मिलेगा ताकि आप अकेले में बात कर सको। ठीक है गाइज, अगर आपको अभी टाइम नहीं दे पा रहे आपके डिवाइन मैस्कुलिन, तो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, या आपके फ्रेंड्स आपके पिक्चर में आएंगे और आप उनके साथ घूमते फिरते, और फैमिली इश्यूज जो है, ये टाइम है गाइस फॉरगिविंग और लर्निंग का। फ्रेंड्स को भी माफ़ करो जिन्होंने आपको हर्ट किया है, फैमिली को माफ़ करो जिन्होंने आपको हर्ट किया, और ये देखो कि उन्होंने आपके सोल ग्रोथ में, आपकी तरक्की में कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग जो है आप लोगों को आने वाली है। लेट्स सी कि एंजल्स क्या कहते हैं इस जर्नी के बारे में, और एंजल्स हमें ये गाइस देखें एंजल पावर मैसेजेस। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिवाइन फेमिनिन अपने पावर में खड़ी रहे, और इसीलिए ये सब हो रहा है गाइस। हमें किसी की ज़रूरत नहीं हमें कंप्लीट करने के लिए, हम इतने ज़्यादा कंप्लीट हैं गाइस। यही रियलाइज करना हम लोगों को इस चैनल पे और इस लाइफ टाइम में ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम अपने डिवाइन मैस्कुलिन से इतना दूर रहते हैं, क्योंकि हमको लगता है वो आए हमें फुलफ़िल करे, वो आए हमारी इच्छाएँ पूरी करे, वो सब करे। नहीं, हम अपना काम करेंगे, हम अपने पावर में रहेंगे, और मैसेजेस में भी बार बार आता है शो मी योर पावर एंड आई विल बी अट्रैक्टेड टू यू। तो डिवाइन मैस्कुलिन भी आपको बार बार कहते हैं अपने पावर में खड़े रहो तो मैं तुमसे अट्रैक्ट होऊंगा, अपना काम करो। तो चलिए गाइस, देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं हमसे अबाउट दिस जर्नी, एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमको। क्रिएटिविटी, यस गाइस, आपको क्रिएटिविटी पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेट एंड
योर फीलिंग्स एंड एक्सप्रेस योर ड्रीम्स इन अ क्रिएटिव मैनर। तो ज़रूरी नहीं है कि झगड़ा ही करना ज़रूरी, अगर आप कुछ चाहते हो तो उसको एक क्रिएटिव मैनर में भी दिखा सकते हो, मतलब एक क्रिएटिव वे में उसको एक्सप्रेस करो, अपने लव को एक क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस करो, कुछ नया स्पेंड योर टाइम, अपना टाइम स्पेंड करो कुछ अलग करने में। देखिए गाइस, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस विल कॉज क्योस अराउंड यू। तो कुछ तो मैंने आप लोगों से पहले ही कहा कि आप लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो डिटैच कीजिए उनसे, एक स्टेप बैक लीजिए और देखिए कि कहाँ फॉरगिविंग और लर्निंग की ज़रूरत है। जहाँ पे फॉरगिविंग और लर्निंग की ज़रूरत है उसको कीजिए, ताकि ये जो टेम्प्ररी डिसरप्शन या टेम्प्ररी ब्रेकडाउन आया है आपके कनेक्शन में आपके पर्सन के साथ, वो ठीक हो जाएगा। और होप और फेथ रखिए गाइस, ऑलवेज सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। जितना भी डार्क टाइम आ रहा है वो भी गुजर जाएगा, जितना भी अच्छा टाइम है गाइज वो भी गुजर जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा देखने की ज़रूरत है कि जितना भी डार्क टाइम है उसके बाद एक बेस्ट टाइम आएगा ही, और उसके बाद हमें हमारी सक्सेस मिलेगी ही। तो बिल्कुल भी सैड होने की ज़रूरत नहीं है। या मैं जानती हूँ गाइज, बहुत सारे लोग 20, 25, 30 ईयर्स से अकेले ही है, कोई लव करने वाला मिला नहीं, कोई लव करने वाली मिली नहीं, फैमिली इतने लविंग केयरिंग मिले नहीं, तो सारा फ्रस्ट्रेशन जो है अब हमारा डिवाइन मैस्कुलिन पे आ रहा है। बट हम लोग आने वाले समय में ऐसा मेडिटेशन चैनल पे करेंगे गाइस, जहाँ पे हम लोग सारा सेल्फ लव जो है अपने आप को यूनिवर्सल लव अनकंडीशनल लव चैनल करेंगे, ताकि हम लोग वो अनकंडीशनल लव सबके साथ चैनल कर सके। तो ये भी आने वाला है, ये भी एजेंडा में है, जुलाई या अगस्त के इसमें आएगा मेडिटेशंस में, कि हम लोग अपना अनकंडीशनल लव यूनिवर्स से चैनल करके सबको दे पाएंगे। तो ये गाइस, तब तक आप अपने रूट चक्र और ये सब फियर्स को हटाने की कोशिश करें, ताकि हम हायर लेवल ऑफ असेंशन को अचीव कर सकें। देखते हैं गाइस हमारे डिवाइन मैस्कुलिन मैसेजेस ऑफ लव से कि हमारे मैस्कुलिन क्या कहना चाहते हैं आज हमसे। तो चलिए गाइस देखते हैं मैस्कुलिन क्या मैसेजेस दे रहे हैं आज हमको। आई वॉन्ट टू बी सेल्फिश एंड चूज यू। देखिए गाइस, ये डिवाइन मैस्कुलिन को समझ में आ रहा है। एक बात आप लोगों से कहती हूँ इस चीज के बीच में ही, आज थोड़ा ज्ञान का रहने वाला है ज्यादा, कि आपको डिवाइन मैस्कुलिन अगर रिजेक्ट करे तो आपको रिजेक्ट नहीं करे, वो अपने आप को रिजेक्ट करे, क्योंकि यू आर अ पार्ट ऑफ देम, आप उनके एक पार्ट हो और वो आपके एक अनब्रेकेबल अनडिवाइडेबल पार्ट है। तो वो अगर आपको रिजेक्ट कर रहे हैं तो खुद को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी सेल्फिश एंड चूज मी, तो गाइज आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बी सेल्फिश एंड चूज योर सेल्फ। तो आपके चूज योर सेल्फ टू चूज योर डिवाइन मैस्कुलिन। ठीक है गाइज, देखते हैं क्या निकल के आता है और मैसेजेस में। If I told you what I truly feel for you will run away from this, I'm sure। देखिए गाइज, आपके भी यहाँ पे बहुत क्लियरली बताया जा रहा है कि एंजल्स ने भी बताया था कि यहाँ पे रिलेशनशिप पैटर्न्स को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये टाइम रहने वाला है हीलिंग का ऑफ रिलेशनशिप पैटर्न्स। तो हम लोग यही कर रहे हैं हमारे चैनल पर हम लोग को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत रहने वाली है। एक सेशन संडे से कुछ नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं, इनडेप्थ वर्क करना चाहते हैं, तो ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। द थॉट ऑफ यू बींग विथ समवन एल्स मेक्स मी जेलस एंड पैशनेट फॉर यू। अगर येस गाइज, ये अगर आपके पर्सन को लगा कि आप किसी और के साथ मिल रहे हो, बात कर रहे हो, तो वो काफ़ी जेलस फील कर सकते हैं और काफ़ी जो है उनको बुरा लग सकता है, या उन्होंने देखा है आपको किसी और के साथ वो फोटो या कुछ में, तो वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करेंगे। स्वीट हार्ट, यू आर द ओनली वन दैट मैटर्स टू मी। तो कहीं ना कहीं गाइज आपके पर्सन ये कहने की कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उनके लिए और आप बहुत ज़्यादा मैटर करते हो, और सॉरी भी बोलने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे टाइम्स आए हैं जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ नहीं रह पाए, तो उन सब टाइम्स के लिए वो आपको सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है गाइज, तो आपको बिल्कुल भी सैड फील करने की ज़रूरत नहीं। उनको बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ किया है, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको चूज़ करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं, क्योंकि आप जो है भाग जाओगे किसी और के साथ, यही उनकी अंडरलाइंग फीलिंग्स है। तो चलिए गाइज, आज की रीडिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे गाइज कल, तब तक के लिए बाय बाय।